हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माधवीज क्रिएटिव वर्ल्ड। आज मैं बंगाल की एक बहुत ही पॉपुलर और ऑथेंटिक रेसिपी को बनाने वाली हूँ। ये रेसिपी मोस्टली गर्मियों में ही बनाई जाती है, जो बेहद ही स्वादिष्ट बनती है। मेरी आज की रेसिपी है स्टफ्ड शाही परवल, जिसे कि पॉपुलरली बंगाली में कहते हैं पोटोले डोलमा। लिया है प्याज 2 टेबलस्पून मोटे कटे हुए और 1 से 1.5 टेबलस्पून बारीक कटे हुए, टमाटर 2 टेबलस्पून मोटे कटे हुए और 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई, परवल 4 बड़े साइज के, लहसुन 3 कलियां मोटे कटे हुए, अदरक 1/2 इंच मोटे कटे हुए, हरी मिर्च 2 मोटी कटी हुई, लाल साबुत मिर्च 1, तेजपत्ता 1, जीरा 1/2 टीस्पून, गर्म मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक स्वादानुसार, हरा धनिया 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ, सूखा साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, पनीर 50 ग्राम। सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई को गर्म करें। कढ़ाई गर्म होने पर इसमें तेज पत्ता, साबुत लाल मिर्च, साबुत धनिया डालें और करीब 1 मिनट के लिए सूखा भून लें। अब इसमें मोटे कटे हुए प्याज, लहसुन, अदरक डालकर भूनें। फिर इसमें मोटे कटे हुए टमाटर डालें और टमाटर और प्याज को नरम होने तक भून लें। जब ये मसाले थोड़े ठंडे हो जाएं, तो इन्हें ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर लें और महीन पीस लें। पनीर को ग्रेटर की मदद से कस लें और अलग रख दें। अब परवल को हल्का सा छीलें, सिर्फ ऊपर की परत हटाकर इसके दोनों पॉइंटेड पार्ट को काटकर हटा दें। एक चम्मच के हैंडल की सहायता से परवल के बीज और गूदे को निकाल लें और बिल्कुल खोखला कर दें। इसके बाद एक कढ़ाई गर्म करें और 1 टेबलस्पून तेल गर्म कर लें। तेल गर्म होने पर कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और परवल का गूदा डालें और उसे अच्छे से भूनें। जब ये सारी चीजें थोड़ा भुन जाए, तो उसमें कसा हुआ पनीर डालें और उसे अच्छे से भून लें। अब इसमें बारी बारी से सारे मसाले, जैसे कि स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर डालें और मसालों को अच्छी तरह भून लें। बारीक कटा हुआ टमाटर डालकर थोड़ा और पकाएं और गैस को फाइनली बंद कर दें। इस स्टफिंग को कुछ देर के लिए ठंडा होने दें। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, तो इसे परवल में स्टफ कर दें। दोस्तों, ध्यान रखें कि स्टफिंग बहुत ज्यादा ना भरे, नहीं तो फ्राई करते समय स्टफिंग परवल से बाहर निकल आएंगे। अब हमारे परवल स्टफिंग के साथ रेडी है। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल गर्म करें और स्टफ परवल को गर्म तेल में उलट पलट कर तल लें और एक प्लेट पर अलग निकाल लें। अब इसी तेल में जीरा और हरी मिर्च डालें और जीरा चटकने पर इसमें पिसी हुई ग्रेवी डाल दें। स्वादानुसार नमक और बाकी बचे हुए मसाले डालकर तब तक पकाएं जब तक ये तेल छोड़ ना दे।
ग्रेवी थोड़ी रिड्यूस हो जाए और तेल ऊपर आने लगे, तब तले हुए परवल को ग्रेवी में डालकर करीब 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। जब ये सब्जी अच्छे से पक जाए तो ऊपर से हरा धनिया डालकर इसे फाइनली एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर कर लें और ऊपर से थोड़ा सा और हरा धनिया से गार्निश करें और सर्व करें। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कैसी होती है। तो आप भी इस रेसिपी को झटपट ट्राई करें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। अगर आपकी कोई और सजेशंस हो तो वो भी आप ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ हिट अ लाइक इफ यू लाइक द वीडियो।